आप देख रहे हैं संवेदना न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में लंबे अरसे से चल रहे अवैध शराब के धंधे को मुंगरा बादशाहपुर पुलिस ने गुरुवार को मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करते हुए घेराबंदी कर स्कॉर्पियो और दो बाइकों पर लदी 536 लीटर अवैध शराब, 1000 रैपर, 150 बार कोट और सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जबकि 3 अभियुक्त पुलिस को चकमा देकर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। बरामद शराब की कीमत लगभग 8,50,000 रुपए बताई गई है। इस संबंध में मुंगरा बादशाहपुर पुलिस द्वारा प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि बुधवार को मुखबिर खास से सूचना मिली कि कुछ अवैध शराब के तस्करों द्वारा वाहन में लादकर गोवर्धनपुर की ओर लाने वाले हैं। मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करते हुए मुंगरा बादशाहपुर थाना पुलिस ने मैं हमरा चौकी प्रभारी सतहरिया अजय प्रकाश पांडे के साथ गोवर्धनपुर गांव के निकट घेराबंदी कर दिया। पुलिस को शिवान में एक स्कॉर्पियो और दो मोटरसाइकिल संदिग्ध हालात में खड़े नजर आए। पुलिस ने स्कॉर्पियो और दोनों मोटरसाइकिल को घेराबंदी कर ली है। पुलिस को वाहनों की तलाशी लेने पर रखा गया। 1000 रैपर, 150 बार कोट, 536 लीटर अवैध शराब, दो बाइक और स्कॉर्पियो को अपने कब्जे में लेकर अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना नाम राजेश कुमार पटेल उर्फ कलेक्टर निवासी पूरा दयाल थाना मुंगरा बादशाहपुर बताया। अभियुक्त ने बताया कि उसके साथ सतीश सरोज निवासी गोवर्धनपुर थाना मुंगरा बादशाहपुर और वीर बहादुर उर्फ पिंटू सिंह निवासी महमूदपुर थाना बरसठी के साथ ही एक अन्य शामिल रहा। पुलिस ने वीर बहादुर उर्फ पिंटू सिंह को शातिर अपराधी करार देते हुए बताया कि उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 16 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एसएसपी जौनपुर महोदय के नेतृत्व में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में थाना मुंगरा बादशाहपुर पुलिस थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा एक महत्वपूर्ण सराहनीय कार्य किया गया है और एक अवैध शराब का धंधा करने वाले बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। इसमें इस क्रम में एक जो शातिर अपराधी है उसकी भी गिरफ्तारी हो की गई है, जिसका नाम राजेश कुमार पटेल उर्फ कलेक्टर है। ये निवासी पूरा दयाल थाना मुंगरा का रहने वाला है और इसके कब्जे से 536 लीटर अवैध स्प्रिट बरामद हुई है और ये कुल मिलाकर इससे 12,000 सीसियाँ बनाई जानी थी और इसकी कीमत मार्केट वैल्यू जो थी इसकी लगभग 8.5 लाख रुपए आकी गई है और इनके कब्जे से ड्रम गैलन और 1000 रैपर, 150 बार कोड, एक स्कॉर्पियो, दो सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल ये रिकवर हुई है और इस घटनाक्रम में शामिल दो अभियुक्त सतीश सरोज और वीर बहादुर और पिंटू सिंह ये मौके से फरार होने में सफल रहे हैं। इनको वांछित किया गया है और इनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। जो अभियुक्त वीर बहादुर और पिंटू सिंह है ये थाना बरसठी का रहने वाला है और इसके विरुद्ध 16 मुकदमे दर्ज हैं। एक 17वां मुकदमा भी और पंजीकृत हुआ है। एक लंबा आपराधिक इतिहास है, ये एक पेशेवर अपराधी है और एक व्यक्ति अज्ञात है जिसका अभी नाम पता अभी पता चलना शेष है। विवेचना के दौरान उसकी भी जानकारी कर ली जाएगी। इस प्रकार से ये एक बड़ा रैकेट गिरोह जो अवैध शराब बनाने का काम करता था और इसको सप्लाई करता था, इसको पकड़ने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है और भारी मात्रा में अवैध स्प्रिट और अवैध शराब बनाने के तमाम जो रैपर और बारकोड और इत्यादि और अवैध वाहन ये सब बरामद हुए हैं। इस प्रकार से ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस टीम को इस महत्वपूर्ण सफलता के लिए पुरस्कृत भी किया जा रहा है। अभी ये प्रकाश में आ गए हैं और इनका नाम भी सामने आ गया है तो अभी तो तत्काल ये वांछित हो गए हैं। इनको गिरफ्तार करने की प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं और अगर ये निकट भविष्य में गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं तो इस पे इनाम की भी